महादेव की पूजा में विशेष रूप से पांच चीजें चढ़ाई जाती हैं, जिसमें शुद्ध पवित्र गंगा जल या कोई भी शुद्ध पवित्र जल, दूसरा बेलपत्र। बेलपत्र कभी टूटा हुआ न चढ़ावे, खंडित बेलपत्र ना चढ़ावे, साबुत बेलपत्र चढ़ावे। बेलपत्र चार दिन ऐसे हैं जब नहीं तोड़ना चाहिए। एक अमावस्या के दिन, दूसरा सूर्य की संक्रांति के दिन, तीसरा प्रदोष की सांझ के दिन और चौथा सोमवार के दिन। ये चार दिन ऐसे हैं जब बेलपत्र पत्ते पेड़ से नहीं तोड़ने चाहिए, अपने हाथों से। और अगर सुबह में लेना पूजा के लिए अनिवार्य है तो कम से कम सांझ को नहीं तोड़ने चाहिए, सांझ के समय नहीं तोड़ने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाओ, लेकिन जिस बेलपत्र के पत्ते कठोर हो गए हैं, वज्र जैसे हो गए हैं, डंठल निकल आई है जिन पत्तों में, वो पत्ते शिव पर ना चढ़ाओ। जिनमें फफड़ूंद लग गई है, जो एक सफेद रंग का गोल गोल जाला जैसा लगता है बेलपत्र के पत्ते पर, जिसमें वो सफेद रंग का गोल गोल जाला जैसा लग जाता है, उसको भी शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा, समी के पत्ते चढ़ाओ। समी जिसे खेजड़ा भी बोलते हैं, समी के पत्ते चढ़ाओ। समी के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए डंडी सहित चढ़ा सकते हो, डंडी सहित चढ़ा दो। अलग अलग एक एक पत्ता अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। चौथा, धतूरे का फल चढ़ाओ। और पांचवा, आक का फूल चढ़ाओ। ये पांच चीजें शिव पर चढ़ती हैं। फिर कई सारी चीजें हैं जो महादेव पर चढ़ती हैं, जैसे महादेव को भांग के पत्ते चढ़ते हैं, पर याद रहे घुटी हुई भांग पिंडी पर नहीं चढ़ती। महादेव को पीले चंदन की अपेक्षा लाल चंदन अधिक प्रिय है, क्योंकि वो शीतल ज्यादा होता है, इसीलिए लाल चंदन शिवलिंग पर चढ़ाओ, बहुत शुभ होता है। दुर्वा जब महादेव पर चढ़ाने लगते हैं तो दुर्वा को कभी भी जड़ के सहित नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्वा का केवल ऊपरी फुलक ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, दुर्वा की जड़ शिव को नहीं चढ़ाई जाती है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ती, जैसे शिवलिंग पर रोली चढ़ती है, लाल चंदन चढ़ता है, लेकिन मांग में भरने वाला सिंदूर पिंडी के ऊपर नहीं लगाया जाता। महादेव पर साबुत हल्दी चढ़ती है, लेकिन पिसी हुई हल्दी सौभाग्य का रूप होती है, जो पिंडी पर नहीं चढ़ाई जाती है। महादेव पर नारियल चढ़ता है, लेकिन हरे नारियल का पानी महादेव के ऊपर पिंडी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे ही तुलसी की मंजरी चढ़ती है रुद्राभिषेक में, लेकिन तुलसी का पत्ता पिंडी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है।